स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं आया हूँ पता है कहाँ, ये जगह देख लीजिए, अगर आए होंगे तो जरूर याद होगा कौन सी जगह है। ये है एसपी वर्मा रोड और ये, और मैं आया हूँ सुरभि ढाबा में। पहले सुरभि ढाबा पहले यहाँ पे होती थी, ये जो कंस्ट्रक्शन बन रही है 1983 से यहाँ पे थी और ये सब कंस्ट्रक्शन तैयार हो रही है, उसके बाद ये अंदर चली गई, फिर बाद में इसमें शिफ्ट हो जाएगी। और इनका जो घी वाली मटन है ना, पूछिए मत, काफी फेमस है, यहाँ तक के मेरे फैमिली भी आके यहाँ पे खाते हैं और दूर दूर से लोग भी आके इनका घी वाली मटन खाते हैं। कि चिकन चिल्ली भी बहुत काफी फेमस है। आइए और इनके ऑनर से बात करते हैं। इनके जो ऑनर है उनसे हम बात कर रहे हैं। नाम हुआ आपका? प्रवीण सहगल। दुकान का हिस्ट्री बताइए। ये दुकान 1983 से मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, ये बगल वाले बिल्डिंग में था, उसके बाद ये अभी यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये बगल वाले बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा। यहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा है, चिकन मटन यहाँ का खाइए आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्नैक्स में यहाँ पे चिकन चिली ड्राई खाइए, इंडियन स्टाइल का बनता है एकदम, बोन बोनलेस दोनों। एक प्लेट में 20 पीस होता है, ड्राई का 290 रुपये, ग्रेवी का 300 रुपये प्लेट है। और स्नैक्स में खाना चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, कबाब, कोई भी खाइए, सब बेस्ट रहता है यहाँ का। टाइमिंग क्या है? सुबह 11 से रात 11 बजे तक कंटिन्यू रहता है। सबसे ज्यादा फेमस तो ये है घी वाली मटन, यहाँ का घी का मटन सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग स्पेशल घी मटन, मटन स्टू खाने के लिए आते हैं। और स्नैक्स में चिकन चिल्ली ड्राई या बोन बोनलेस और चिकन तंदूरी यहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, खाना पसंद करते हैं यहाँ पे लोग। एक बार एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस ये एसपी वर्मा रोड, अभी ये ऑपोजिट है दुर्गा विहार माई विजन के सामने, फिर अपने पुराने वाले लोकेशन में चला जाएगा जहाँ पे पहले बिल्डिंग जो बन रहा उसमें चला जाएगा। ये बचपन में आते थे तो वहीं पे खाते थे अपने फैमिली के साथ, लेकिन ये अब चेंज हो गया ना। बताइए कि आपका कौन सा डिश हम ट्राई करें। आप नॉनवेज में खा रहे हैं तो घी मटन ट्राई कीजिए, आप लोग अच्छा लगेगा। मटन स्टू ट्राई कीजिए, चिकन में चिकन में कुछ भी ट्राई कीजिए, सब अच्छा लगेगा। चिकन करी यहाँ का नॉर्मल चिकन है, बाकी आप कुछ भी ट्राई कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। अंदर और ट्राई करते हैं इनका फूड। वो रास्ता है, इसी में हम लोग को अंदर आना है और अंदर की तरफ जाना है। ये देखिए इनका सिटिंग एरिया है, काफी स्पेसियस है और टू व्हीलर लगाने का भी काफी जगह है, आराम से बैठ के यहाँ पे खा भी सकते हैं, खुले आसमान के नीचे भी। रूफ का इतना फीलिंग आए कि आपको, चलिए किचन में चलते हैं। मटन की ग्रेवी है, चिकन की ग्रेवी है। ये क्या डाले आप? तेल है। तेल कौन सा तेल? रिफाइन सरसों, सरसों तेल। क्या चिकन चिल्ली बना रहे ड्राई, इसमें प्याज है, शिमला है, अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है, चिल्ली सॉस है, टमाटर सॉस है, सोया सॉस है, हल्का कलर, गोलकी पाउडर, हल्का गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, हल्का नमक। ये चिकन चिली बॉनलेस तैयार हो गई। ये घी है, देखिए कितनी घी डाली जा रही है, कौन सी घी है ये? अमूल, अमूल घी है। हाँ। काफी मात्रा में अमूल घी डाली गई मटन में। ये क्या है? ये हल्का कलर पड़ता है लाइटिंग के लिए। ये देखिए फाइनली घी वाली मटन तैयार हो गई, देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है देखिए। और भाई साहब इसकी जो खुशबू है ना, काफी लाजवाब है, अभी से माउथ वेटरिंग हो रहा है। क्या नाम होगा आपका? विवेक कुमार। विवेक जी ये बताइए कि क्या खा रहे हैं आप? फुले भटूरे खा रहा हूँ मैं। क्या टेस्ट है इसका? अच्छी है। लेकिन यहाँ का तो फेमस है देसी घी वाली मटन और चिकन चिली बोनलेस, और आप ये छोला भटूरा खा रहे हैं। इसमें प्योर वेज, दैट्स व्हाई। अच्छा वेजिटेरियन है? दैट्स व्हाई। टेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। थैंक यू। मैं मटन स्टू और बटर नान खा रहा हूँ। अच्छा, मतलब क्या टेस्ट में? काफी टेस्टी है।
हाँ काफी टेस्टी, और जगह से तो डिफरेंट है। अच्छा, पटना में और जगह से डिफरेंट है। टेस्ट में कोई अंतर नहीं है? नहीं, बाकी जगह से तो अंतर है। बाकी जगह से मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है। और क्या खाते हैं? और यहाँ बहुत सारा भेज थाली वगैरह भी खाते हैं, यहाँ घी मटन खाते हैं, वो सब भी काफी लाजवाब होता है। एक्चुअली ज्यादातर मैं यहाँ घी मटन खाता हूँ। आज मटन इस टू टेस्ट करना था। घी वाली मटन नहीं है? घी वाली मटन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करना था, जिसलिए आज एक्स्ट्रा टेस्ट कर। काफी अच्छा है। थैंक यू, एंजॉय कीजिए। क्या खा रहे हैं आप? अभी तो तंदूरी रोटी और चिकन खा रहा हूं। कैसा टेस्ट है यहाँ का? टेस्ट अच्छा है, फेमस दुकान है यहाँ का, और काफी दिन से हम लोग हैं यहाँ पे, आते जाते रहते हैं। नहीं, घी वाली मटन ना लोग खाते हैं? मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, हम लोग ज़्यादा चिकन ही प्रेफर करते हैं। तो यहीं पे ऑफिस है आपके? ऑफिस यहीं पे बगल में ही ऑफिस है, वहीं से आके। हाँ, आप बताइए अपने बारे में, आपको यहाँ क्या पसंद है? यहाँ का चिकन देहाती हमको बहुत पसंद है। ठीक है, और आते हैं बराबर खाने के लिए। यही पास में ही हम लोगों का ऑफिस है, जब भी लंच में लंच नहीं लाते हैं तो हम लोग यहीं पे चले आते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है? हाँ, टेस्टी होता है। और काफ़ी पहले तो छोटा सा स्पेस में था, अब बड़े स्पेस में ये यहाँ पे आ गए, पहले रोड पे थे, तो अच्छा है, गुड। मेन्यू हो गई, मेरी प्लेट आ चुकी है, मुझे मिला है ये देसी घी वाली मटन। ये देखिए, लुक दिस, इनका ग्रेवी देखिए, और कितना सारा घी है। इसका साइज भी देखिए, पीस का साइज भी हैवी है। ये देखिए, ये पीस की साइज भी काफ़ी हैवी है, अच्छी साइज में है, ये ठीक है, ग्रेवी है। देखिए भाई साहब, मुंह में मेरे पानी, बाल्टी भर का पानी आ रहा है ये देख के। और ये हमारी मेरी हो गई चिकन चिल्ली बोनलेस, ये देखिए। ये हो गई सैलेड, और ये हो गई बटर रोटी। और रोटी देखिए कितनी बटर डाली गई है, नहा दी गई है बटर से, और रोटी को ये अब खाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट। तोड़ने में काफी कुरकुरी है ये, खाते हैं इनका देसी घी वाला मटन। ये लेते हैं एक बाइट, ये लेते हैं इनका ग्रेवी। देखिए लाजवाब, यम्मी, खा के मजा आ गया। कसा छूने से निकल गई, काफी सॉफ्ट है। स्पाइसी भी थोड़ा, स्पाइसी ज्यादा है। मतलब मुंह में डालते ही ये घुल गई, इतनी ज्यादा सॉफ्ट है ये। एक बाइट और लेते हैं, ये देखिए। इतना स्वादिष्ट है कि मेरा आंख खुल पा नहीं रहा। अब खाते हैं हम इनका ऑनियन, अब इनका ट्राई करेंगे हम चिकन चिल्ली बोनलेस। ये भी आराम से टूट गई, एकदम सॉफ्ट है, रुई की तरह आराम से अलग हो गई। कि जो बाहर की कोटिंग है वो ठीक नहीं है, जैसा और जगह होता है। ये देखिए आराम से टूट गई, काफी भी काफी सॉफ्ट है ये, जो है वो रेडी गोल्डन है। ये शिमला मिर्च भी है साथ में,
काफी यम्मी है ये। ये सुरभि ढाबा का दोनों जो डिश है ये इनका सिग्नेचर डिश है, एक देसी घी वाली मटन और एक चिकन चिल्ली बोनलेस। ये देखिए घी देखिए इनका भाई साहब, घी देखिए कितना ज्यादा इसमें घी है। अभी जो बटर और रोटी से ट्राई कर रहे हैं, का मटन जो है काफी जूसी है। अगर आप इधर आ रहे हैं तो इनका देसी घी वाली मटन और चिकन चिली बोनलेस जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और अगर नहीं आए हैं तो फटाफट आके टेस्ट कीजिए। सच में भाई साहब काफी लाजवाब है, मतलब मैंने सारे जगह का खाया मटन, सबसे अगर बेस्ट है, सबका अगर बेस्ट, सब तो अच्छे ही हैं और सबसे ज़्यादा कोई बेस्ट है तो ये वो सुरभि ढाबा का देसी घी वाला मटन। एकदम जन्नत सा फीलिंग आ रहा है। ये आपको जो दिख रही है मसाला, ये एग्जैक्ट मसाला है नहीं, ये प्याज की एकदम ग्रेवी है, ठीक ग्रेवी है जो टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। मज़ा आ गया खाने में इनका देसी घी वाला मटन। इनका यहाँ से दिल्ली तक फेमस है इनका ये मटन। लुक एट दिस, ये देखिए नली वाला पीस है, नली वाली पीस है, और ये इनकी चाप वाली पीस है, और ये इनका पुट वाली पीस है। देखिए लुक एट दिस भाई साहब, मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये देख के, और मुझे ये तुरंत खत्म करना है। होटल का लिंक डाउन बॉक्स में दे दूंगा और इसको खत्म करते हैं और यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं। थैंक यू।